हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप जो मेरे हाथों में ये जो लकड़ियाँ देख रहे हैं वो उसको हम मुलैठी बोलते हैं। तो आज हम इससे एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही आपकी स्किन पर जो कारगर रेमेडी बनाएंगे, एक बढ़िया सा फेस पैक बनाएंगे जो आपकी स्किन को बेनिफिट देगा और आपको आपकी स्किन पर जो सारी समस्याएं हैं, रिंकल्स हैं, एक्ने की समस्या है, पिंपल्स वगैरह हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं और आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट हैं, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा डेड पॉल्यूशन जमा हो गया है, इन सभी चीज़ों को रिमूव करेगा और आपको एकदम क्लीन करेगा, आपके फेस को क्लीन करेगा, आपको एक बहुत ही अच्छा निखार देगा ये पैक। तो हमें क्या करना है, हमें या तो मार्केट वाला मुलैठी का जो पाउडर आता है वो ले लेना, अगर नहीं है आपके पास तो मेरे पास जो मुलैठी की लकड़ी थी उन्हीं को मैंने अपने मिक्सर जार में उसी को हम पीस लेंगे। तो पहले तो मैं उसको कूट रही थी, वो अच्छे से नहीं कूट रही थी, तो मैंने उसको ग्राइंडर में डालकर उसको पीस लिया है। तो एकदम से बारीक नहीं हुआ है, आप इसको बारीक कर लें या तो आप जो पाउडर आता है ना वही यूज करें। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने इसका जो पाउडर बना लिया है तो अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे। तो ये मेरे पास 1.5 से 2 चम्मच के करीब है। तो ये ना आपके लिए जो मुलैठी है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके गले के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप इसे मतलब थोड़ा सा चाय में डालकर भी अगर आप इसको पीते हैं तो ये आपके गले को सुरीला बनाती है और इससे आपका गला अच्छा रहता है। तो अब हमें क्या करना है, तो ये मेरे पास 1.5 से 2 चम्मच करीब जो मुलैठी का पाउडर है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे और शहद ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये फेस पैक आपके चेहरे को मतलब एकदम कंप्लीट ग्लो देगा, अगर आप इसको ना रेगुलर यूज करते हैं ना तो ये आपके स्किन की जो सारी समस्या है उनको जड़ से ख़त्म कर देगा। इसके रेगुलर यूज़ से आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हमें तीसरी चीज़ ऐड करनी है, वो है हमें एलोवेरा जेल। तो अपना जो एलोवेरा जेल है आप घर का जो प्लांट है उसका यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप मार्केट वाला यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल को डाल लिया है, ऐड कर लिया है उसको भी। और इसमें आपको अगर हल्दी सूट करती हो आपके फेस पर तो आप इसमें हल्दी ज़रूर ऐड कर लें, अगर नहीं करती है तो इसको स्किप करें। ओके, तो मेरे फेस पर हल्दी सूट नहीं करती तो मैं यहाँ पर मैंने हल्दी को ऐड नहीं किया है। अब जो 3 चीज़ें हैं उनको ही बढ़िया से हमने इसको मिक्स कर लेना है और एक अपना एक अच्छा सा फेस पैक बना लेना है ताकि तो ये जो हमारा जो फेस पैक था एकदम से बनकर तैयार हो गया है। और आप इसको गर्मियों के मौसम में या सर्दी के मौसम में कभी भी लगा सकते हैं। और ये अभी जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो उसके लिए, तो गर्मियों के लिए तो एकदम से रामबाण है। ये आपके स्किन का जो ऑयल है वो भी एकदम से सोख लेगा और आपकी स्किन को एकदम से ऑयल फ्री रखेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। आपकी जो गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और बेजान सी हो जाती है उन सभी चीज़ों से आपको बचाएगा। तो ये हमारा फेस पे एकदम से बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे अपने फेस पर लगाएँगे। तो फेस पर लगाने से पहले हमें क्या करना है, अपने फेस को कर लेना है क्लीन। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को किया है गुलाब जल से क्लीन। क्या होता है कि गुलाब जल एकदम से सॉफ्ट वाटर होता है, तो मतलब हमारी स्किन को एकदम से सूट भी करता है और उसी से मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। तो क्या है, इससे ना हमारी स्किन पर जो भी गंदगी वगैरह थोड़ी बहुत मतलब लग जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे गुलाब जल और कॉटन से अपने फेस को थोड़ा सा क्लीन कर लिया है ताकि जो हम फेस पैक लगाएं उसका मतलब रिजल्ट अच्छा मिले हमको। तो फेस हो गया है हमारा क्लीन, आप देख सकते हैं इसकी जो मेरे हाथ में जो कॉटन है वो कितनी गंदी सी दिख रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना फेस पैक है उसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो ये है जो हमारा फेस पैक, अब हम इसे अपने फेस पर पूरे पे लगा लेंगे। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें 15 मिनट के लिए लगा हुआ छोड़ देना है, फिर उसके बाद ही हमें अपने फेस को नॉर्मल पानी से अपने फेस को धुल लेना है। आप इसको डे में या नाइट में कभी भी लगा सकते हैं और हफ्ते में इसको 3 बार लगा सकते हैं। तो मैं अपने फेस पर इसको अप्लाई कर ले रही हूँ।
दोस्तों मेरा ये फेस पैक है वो एकदम से सूख चुका है और मुझे ये लगाए हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, एकदम से ड्राई हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, अपने फेस को क्लीन कर लूँगी वाटर से, और नॉर्मल पानी का ही यूज़ करना है आपको भी। और इसके बाद आप देख सकते हैं एकदम फेस एकदम से इतना क्लीन और सॉफ्ट लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा सबसे फेवरेट फेस पैक है, मैं हमेशा इसे लगाती रहती हूँ। और इसके बाद जो चेहरे पर निखार आता है वो तो गजब का ही आता है, उसकी तो बात ही अलग है। तो आप भी इस फेस पैक को ज़रूर यूज करके देखें। और फेस पैक को क्लीन करने के बाद आप अपने फेस पर 2 मिनट के लिए मसाज ज़रूर कर लें किसी ऑयल से। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।